हेलो दोस्तों, कुकिंग हिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कच्चे केले और चने की सब्ज़ी, जो काफ़ी टेस्टी लगती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम दो कच्चे केले ले लिए हैं और इसे हम उबाल लिए हैं। करीब हम इसे आधे घंटा पहले उबाल लिए हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। इसका हमें छिलका उतारना है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम दोनों केले का छिलका उतार लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे केले की मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आधा कप चना लिए हैं, तो यहाँ पे हम दो केले लिए हैं। तो केले को छीलने के बाद हम कट करेंगे इसे। इस तरीके से हम कट कर लिए हैं और यहाँ पे हम चने को रात भर भिंगो दिए हैं, आधे कप चने को। आप इसे फ्रेश करने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं। तो बस केले और चने को मिक्स करके आज हम सब्ज़ी बनाने वाले हैं, काफ़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में हम 2-3 चम्मच तेल रखे हैं और इसी में हम सबसे पहले केले को फ्राई करेंगे। तो इसे हमें गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेनी है। इसे हमें फ्राई करने में 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। एकदम से अच्छे से फ्राई होने चाहिए केले, तभी इसमें स्वाद आती है। तो इस तरीके से हम केले को देखिए पलटकर अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अगर आपने कभी नहीं बनाया है चना और केला के सब्ज़ी, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे हम देखिए कितने अच्छे से केले को फ्राई कर लिए हैं और इसमें इसी तेल में हम बाकी के जो मसाले हैं वो इसमें रखेंगे। अगर तेल ज़्यादा है तो आप निकाल दें। करीब 2 चम्मच ले तेल रखें। यहाँ पे सूखे मसाले 3 पत्ते, दालचीनी और 2 सूखी लाल मिर्च और 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड किए हैं। इन मसाले को हम कुछ सेकेंड के लिए भुनेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और इसी में हम ऐड करेंगे प्याज, हम 3 से 4 पीस लिए हैं। उसे मिक्सी जार में प्याज का पेस्ट बनाकर हम ऐड किए हैं। आप पेस्ट की जगह नॉर्मल प्याज कट करके उसे आप गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें, लेकिन आप एक बार जब प्याज पीस कर डालेंगे तो इसमें जो थिकनेस आती है ग्रेवी में वो बहुत ही बढ़िया आती है। तो साथ ही हम चने को भी ऐड करेंगे और प्याज और चने को अच्छे से हम भुनेंगे। तो यहाँ पे प्याज अपना जूस छोड़ेगी, तो उसमें साथ ही चने भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो इसे हम बीच बीच में चलाकर करीब 5 से 6 मिनट के लिए चने और प्याज को भून लेंगे। यहाँ पे हम नमक और हल्दी ऐड करेंगे, नमक स्वाद अनुसार और हल्दी 1 छोटी चम्मच। तो इन्हें भी हम कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। इस तरीके से आप इसे कवर करें फिर भुनें, ताकि प्याज जब तक अच्छे से नहीं भुनेगी तो सब्ज़ी का जो कलर है और टेस्ट बढ़िया नहीं आएगी। इसीलिए आप प्याज को बहुत अच्छे से भुने चने के साथ। यहाँ पे गैस का फ्लेम आप मीडियम करके रोस्ट करें। तो यहाँ पे अब हम मसाले बहुत कम डालने वाले हैं। तो 1 छोटी चम्मच से हम लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और यहाँ पे गरम मसाले पाउडर और फिर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बस इतना ही मसाले हम ऐड करने वाले हैं और फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को कम से कम 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पर इसे हम भून लेंगे। यानी इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से हमें तेल और मसाले अलग नहीं दिखे। तो यहाँ पे हम मसाले को कंटिन्यू चलाते रहेंगे और साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें 1 टमाटर। मसाले के साथ टमाटर भी अच्छे से भून जाएंगी। आप चाहे तो यहाँ पे टमाटर का पेस्ट बनाकर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो हम डालना भूल गए हैं, तो अब हम इसे डाल देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा मसाले को भूनने में, लेकिन अब भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, अभी डाल दे रहे हैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही बहुत ही अच्छे से मसाले को हम 7 से 8 मिनट भूनेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं।
तो ये लीजिए, हमने कंटिन्यू चलाते हुए मसाले को 7 से 8 मिनट भून लिए हैं। अब इसी में हम रोस्ट किए हुए कच्चे केले को जो फ्राई किए हुए थे उसे हम ऐड किए करेंगे और मसाले के साथ करीब 2 से 3 मिनट इसे हम भून लेंगे। तो ये लीजिए, बहुत अच्छे से हम मसाले को भून लिए हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। वो हम नॉर्मल पानी ऐड नहीं करेंगे, इसे हम थोड़ा सा गर्म कर लिए हैं गैस पे। जितना भी आपको पानी डालना है, जैसे चावल के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा, एंड रोटी वगैरह के साथ खा रहे हैं तो आप पानी कम डालें। तो यहाँ पे करीब हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें ज़्यादा थोड़ा सा पतला इसकी ग्रेवी चाहिए, तो हम यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड ज़्यादा किए हैं। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट गैस का फ्लेम हाई करके उबाल लेंगे, ताकि जो अच्छे से इसमें है वो कुक हो जाए, बाकी के मसाले पानी जो भी इसमें ऐड किए हैं। तो इसके ऊपर से हम थोड़ा सा डाल देंगे धनिया पत्ता और अच्छे से हम मिक्स कर लिए, ये देखिए। और अब हम इसे 3 से 4 मिनट गैस का फ्लेम लो करके इसे हम कुक करेंगे। तो ये देखिए, गैस का फ्लेम हाई करके 2 से 3 मिनट और लो पर हम इसे 4 मिनट तक कुक किए हैं। इसका कलर बहुत ही बढ़िया आई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मनपसंद आप चावल फ्राटे के साथ इसे ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।